21 जनवरी 2018 को इस वर्ष उसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हुई, तो बिहार के लोग चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर बिहार के लोगों ने अपने संकल्प का प्रकटीकरण किया और यह कोई मामूली बात नहीं। और हर प्रकार से गांधी जी जहां जहां गए उस जगहों को विकास करना, गांधी सर्किट का निर्माण, यह सब काम तो किया ही जाएगा। हम लोग पटना में, यहां पर तो आप देख रहे हैं गांधी जी की प्रतिमा, ये गांधी मैदान है, ये पहले लॉन कहलाता था, ये गांधी मैदान के रूप में जाना गया। बाद में गांधी जी यहां आकर उन्होंने न जाने कितनी बार जनता को संबोधित किया आजादी की लड़ाई के दौरान। और इस स्थल पर जो गांधी जी की सबसे ऊंची मूर्ति, देश में इतनी लंबी मूर्ति गांधी जी की कहीं नहीं लगी है, यह हम लोगों ने स्थापित किया है। और इस प्रकार से एक एक चीज और एक काम और हम लोग इस पटना में करेंगे। चंपारण सत्याग्रह की गांधी जी के प्रति लोगों को जागृत रखने के लिए और खास करके नई पीढ़ी के लिए हम पटना में एक बापू टावर का निर्माण करेंगे और उस टावर में गांधी जी के विचार और उनके जो कृत्य हैं सब प्रदर्शित होंगे। और वो एक ऐसा होगा उसमें घूम घूम कर हमारे नई पीढ़ी के लोग और दूसरे लोग भी जो चाहें उसको देख सकेंगे और उसकी एक अद्भुत ऊंचाई होगी। उसके बारे में पूरी योजना पर काम चल रहा है, उसका डिजाइन तैयार हो रहा और इस पटना शहर में उसको भी हम लोग स्थापित करेंगे। वो अपने आप में विलक्षण होगा, अद्वितीय होगा और देश भर के लोग आएंगे। आज बिहार म्यूजियम जो बना है, पटना म्यूजियम हमारा था, उसमें सारे प्रदर्शनों को रखने की जगह नहीं थी तो हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बिहार म्यूजियम बनाया। आज दुनिया भर में म्यूजियम की चर्चा हो रही है, बिहार म्यूजियम। तो उसी तरह से हम बापू टावर इस प्रकार का बनाएंगे कि उसकी चर्चा सब जगह हो और जिनकी भी रुचि बापू के विचारों में होगी वे यहां भी आने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से यह सब काम तो हम लोग करेंगे। और आज इस अवसर पर मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया और उन्होंने हम लोगों के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और बिहार को बरकरार रखिएगा, ये हमारी बिहार की सबसे बड़ी पूंजी है। 12 साल से हम लोगों ने उस तरह का सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया, ये बिहार के लोगों की खासियत है। थोड़ा बहुत झगड़ा भले हो जाए लेकिन वो झगड़ा आगे दंगों में तब्दील नहीं होता रहा है। ये समस्त बिहार वासियों को, इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं समस्त बिहार वासियों का। और आज मुझे पता है इधर से उधर बहुत तरह की कोशिशें होंगी, कृपा करके उसी सद्भावना के वातावरण को कायम रखिएगा। और इस बार अभी जो दशहरा का दिन और मुहर्रम का एक समय हो गया था, कितनी लोगों ने कोशिश की गड़बड़ करने की, लेकिन गड़बड़ी नहीं हुई, हो नहीं सकी। मैं आग्रह करूंगा किसी प्रकार से रामनवमी के इस अवसर पर किसी भी तरह की का फसाद न हो, झगड़ा न हो, झंझट नहीं हो। मैं सबसे अपील यही करूंगा कि आपस में प्रेम और मोहब्बत के वातावरण को हम सब लोग बनाए रखें और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के समापन समारोह पर हम लोगों को गांधी जी को कुछ बातों को याद रखना चाहिए। गांधी जी ने क्या कहा, ये जो धरती है वो हमारी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है लेकिन हमारे लालच को पूरा करने में नहीं। कुछ लोग जरूरत से संतुष्ट नहीं होते हैं, लालच के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा और जान लीजिए, धरती पर जो कुछ भी पर्यावरण है इसके साथ छेड़छाड़ न हो। आने वाली पीढ़ी के प्रति भी हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। आज अगर आपको ये धरती मिली है तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि उसी तरह से पर्यावरण की रक्षा करते हुए आने वाली पीढ़ी और दर पीढ़ी को भी यही
पृथ्वी मिले, अगर हम कोई छेड़छाड़ करेंगे तो फिर हम अंत के करीब पहुंचते चले जाएंगे, विनष्ट होते चले जाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जीवन में गांधी जी के कुछ बातों को याद रखना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि 7 सामाजिक पाप कर्म है, उससे बचो। क्या उन्होंने कहा था? सिद्धांत के बिना राजनीति। आजकल देखते हैं ना, सिद्धांत की बात नहीं करेगा लोग आजकल तो। आजकल पता नहीं सोशल मीडिया हो गया, दिन भर लोग ट्वीट करता रहता है, क्या डाल देगा, क्या करेगा, क्या उसका मतलब है, बिना समझे हुए। कोई लेना देना सिद्धांत का नहीं। हम लोगों का सिद्धांत है बापू के दर्शन पर आधारित, न्याय के साथ विकास का सिद्धांत है, समाज में प्रेम और सद्भावना रहे उसका सिद्धांत है। इसलिए सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं होनी चाहिए। गांधी जी ने बताया था 7 सामाजिक पाप कर्म। तो एक तो राजनीति वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, इसलिए हम उनको एहसास करा देते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं होनी चाहिए। काम के बिना धन, मेहनत किया नहीं और धन पा लिए, देख रहे हैं ना आजकल। अरे एक व्यापारी को कितना मेहनत करना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, फैक्ट्री लगाना पड़ता है और तब धन कमाता है। यहां देखिए बिना मेहनत के कितने लोग धनार्जन कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा था ये 7 सामाजिक पाप कर्म का हिस्सा है, काम के बिना धन, धन प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए, विवेक के बिना सुख। अब आपको लग रहा सुख ले, सुख प्राप्त करें और विवेक नहीं, अंतःकरण की कोई अनुभूति नहीं, तो विवेक के बिना सुख भी ठीक नहीं। ज्ञान की बात बहुत लोग करते हैं लेकिन चरित्र के बिना ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, गांधी जी ने कहा। ज्ञान के साथ चरित्र बहुत जरूरी है। ये सब हमारे छात्र छात्राएं बैठे, मैं सबसे कहूंगा, उनको पढ़ाने वाले लोग भी होंगे, जरा इस बात का ख्याल जरूर रखिए, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार। बहुत दो नंबरी धंधा चल रहा है ना जी, और दो नंबरी धंधा पर कड़ाई होता है, तरह तरह का बात बोलना शुरू करता है ना सब। गांधी जी कहे हैं नैतिकता के बिना व्यापार, व्यापार भी ठीक से होना चाहिए, नैतिकता के साथ होना चाहिए। और विज्ञान के बारे में उन्होंने कहा मानवता के बिना विज्ञान नहीं होना चाहिए, अगर विज्ञान है तो उसमें मानवता का एहसास होना चाहिए, ह्यूमैनिटी का। और बहुत लोग पूजा वाले हैं ना, त्याग के बिना पूजा, पूजा भड़काऊ नहीं होना चाहिए, पूजा भड़काऊ नहीं होना चाहिए, पूजा के साथ त्याग की भावना होनी चाहिए। इसलिए 7 सामाजिक पाप कर्म हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है, सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा। तो हम सब लोग इसका ध्यान रखें। तो आज बिहार दिवस के अवसर पर बापू के चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के समापन अवसर पर हमें कुछ तो कोशिश करनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नई पीढ़ी के लोगों में अगर हम गांधी जी के विचारों को प्रचारित कर रहे हैं जिस तरह से, अगर 10 से 15% हमारे नई पीढ़ी के लोगों ने भी गांधी जी के विचारों को आत्मसात किया तो ये समाज बदल जाएगा, सुबह बदलेगा, देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का अभिनंदन करता हूं, आप सबको पुनः बिहार दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार।